वेलकम टू दृष्टि क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे महल के एमसीक्यू के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, जालोर, जयपुर, उदयपुर। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पहले पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा जयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। आमेर का महल जयपुर आमेर की मावठा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित कचवाहा राजा मानसिंह द्वारा 1592 में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? यह क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन में, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और महाराजा सवाई जय सिंह। तो इसका जो हमारा जवाब रहने वाला है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। अब इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। आमेर दुर्ग के दीवान ए खास भवन में जन सामान्य से भेंट हेतु राजा का आम दरबार लगता था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर महल में दीवान एक खास का निर्माण किसने करवाया? ये आपका पूछा गया कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन में, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और महाराजा सवाई जयसिंह। इसका जो हमारा जवाब रहने वाला है मिर्जा राजा जयसिंह। इसकी व्याख्या, आमेर दुर्ग के दीवान एक खास एवं दीवान ए आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है और ये आपका पूछा गया है आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में। फर्स्ट ऑप्शन है आमेर, जोधपुर, नाहरगढ़ और जूनागढ़। तो 9 एक जैसे महल आपके नाहरगढ़ में देखने को मिलेंगे। बात करेंगे इसकी डिटेल की, इन नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध। इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने प्रारंभ करवाया तथा इसको वर्तमान स्वरूप 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। थैंक यू। ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें दृष्टि क्लासेस। धन्यवाद।